वेलकम टू अर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस सीरीज में हम इंग्लिश रीड सिलेबस कवर कर रहे हैं लैंग्वेज टू लेवल टू। हमने यूनिट वाइज बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप प्लीज़ उनको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे और आपकी और क्या आवश्यकता है। इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज शुरू कर रहे हैं। इसके टू पार्ट्स हैं, आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख के समझिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके बारे में मॉडल्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम्स इस टॉपिक को जरूर से कवर करते हैं। मॉडल्स, मॉडल्स होता क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं। ज्यादातर मॉडल्स को सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है। जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, इज, एम आर, वॉज, वर, शैल, विल, और मॉडल्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनका यूज भी बिल्कुल अलग होता है। ज्यादातर मॉडल्स को मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं, उन्हें केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। मॉडल्स चाहे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम यूज होगा, वॉज यूज होगा, ही है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। लेकिन मॉडल्स पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने का, प्लूरल होने का, पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा सेम रहते हैं। उनकी जो फॉर्म्स है मॉडल्स के साथ, हमेशा मेन वर्ब की रूट फॉर्म का यूज होता है। ज्यादातर मॉडल्स अपनी फॉर्म नहीं बदलते हैं, मीन्स कभी भी उनके साथ उनकी फॉर्म में जैसे कैन है, कुड है, उनमें एस, ई एस या आई एन जी नहीं लगता है। दो मॉडल्स हैं, ऑट टू, यूज टू, वो अपने साथ में इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। बी हैव वर्ड्स कभी कभी कुछ आते हैं मॉडल्स में, तो उन सेंटेंस में जब बी हैव होते हैं मॉडल्स के साथ ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये ज्यादातर होता है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट मॉडल कैन। ध्यान रखना है मॉडल्स की फॉर्म सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं होती है, उनका पर्टिकुलर अपना अपना यूज होता है अपने अपने सेंटेंस में। सबसे पहले बात करते हैं कैन, फर्स्ट मॉडल है कैन। कैन, कैन का यूज परमिशन देने के लिए, जब किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, रिक्वेस्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? आप परमिशन मांग रहे हो किसी से, यू कैन गो नाउ, परमिशन दे रही हो, तुम जा सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज में ले सकता हूं? परमिशन। सेकेंड यूज होता है कैन का प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी, जब कोई संभावना हो, जैसे एग्जाम्पल है, यू कैन इजिली लूज योर वेट थ्रू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अगर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना वजन कम कर सकते हो। माई फ्रेंड कैन विजिट दिस मंथ, कोई ना कोई आपके पास फोन आया, कुछ आया है जिससे आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हो कि आपका फ्रेंड इस मंथ आ सकता है। एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूं, एबिलिटी है, कैपेसिटी है। ही कैन रन फास्ट, कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो तेज भाग सकता है। ही कैन डू स्टडी द होल नाइट, पूरी रात जगकर पढ़ सकता है, कैपेसिटी। इन मोशन को शो करने के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी को कैन का यूज करते हैं। इसी के साथ रिक्वेस्ट के सेंस में भी कैन का यूज होता है, कैन मॉडल का। कैन यू गिव मी योर एक्टिवा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप क्या मुझे अपनी एक्टिवा दे सकते हो। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। परमिशन मे में भी आती है, लेकिन जो कैन की परमिशन होती है वो इनफॉर्मल, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, और मे की परमिशन, मे में जब परमिशन का यूज होता है तो वहां होती है परमिशन, फॉर्मल परमिशन। इसके बाद मॉडल कुड, पास्ट फॉर्म कैन की, कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होती इसकी, ये कुड पास्ट फॉर्म है। ज्यादातर कुड का यूज पॉसिबिलिटी या पास्ट एबिलिटी को बताने हेतु किया जाता है। इसके अलावा जब
किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट हो वहां पे भी कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कुड आई यूज योर सेल फोन टू चेक माई मेल। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से आपको फोन चाहिए तो आप यूज कर रहे हो कुड। कुड आई बोरो योर पेन, पेन चाहिए आपको, बोरो करना चाहते हो, रिक्वेस्ट। इसी के साथ ही कुड स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, पास्ट एबिलिटी, कि जब वह 6 साल का था। हम कई बार कॉन्वर्सेशन सेंटेंस में भी बोलते हैं एट दैट टाइम आई कुड डू दिस, पास्ट बताने के लिए, पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। हमेशा कुड कैन का भी बताया था पॉसिबिलिटी, लेकिन जो कुड में पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है। जैसे इफ वी हैड मनी, अगर मनी होती तभी आगे का काम होता। इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार, वीक पॉसिबिलिटी है कि जब मनी आएगी तब कार खरीद सकते थे। तो इसमें कुड का यूज होता है जब वीक पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड मॉडल होता है मे, एम ए वाई। मे का यूज पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी? गुड पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी, अच्छी पॉसिबिलिटी। परमिशन ज्यादातर गिवन परमिशन होती है या फॉर्मल परमिशन होती है तब यूज किया जाता है। विश करने के लिए जिस सेंटेंस में विश होती है, ब्लेसिंग होती है, या पर्पस को बताने के लिए यूज किया जाता है मे का। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज वेरी गुड, आई थिंक शी मे विन द इलेक्शन। हमें पता है शी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है, तो ज्यादा गुड पॉसिबिलिटी है इसलिए वो इलेक्शन जीत सकती है। इट मे रेन टूडे, अगर ये बोल रहे हैं तो कोई ना कोई सिम्टम बाहर दिख रहे हैं, या तो बादल छाए हुए कुछ ना कुछ, तो गुड पॉसिबिलिटी है तभी यूज कर रहे हैं इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। इसी के साथ परमिशन, जब फॉर्मल परमिशन हो, मे आई बोरो योर सेलफोन, किसी का सेलफोन पर्सनल भी हो सकता है तो फॉर्मल परमिशन की क्या मैं ले सकता हूँ, ऑफिस में कोई भी बैठा है, फॉर्मल परमिशन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो तब भी मे का यूज होता है। विश, ब्लेसिंग के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे मॉडल का यूज होता है। मे यू लिव लॉन्ग, आप किसी को ब्लेस कर रहे हो तब इसी का यूज होता है। इसी के साथ पर्पस को शो करने के लिए, जब आप कोई उद्देश्य बता रहे हो, शी इज वर्किंग हार्ड, वह बहुत हार्ड वर्क कर रही है, सो दैट, ताकि शी मे विन अ स्कॉलरशिप, ताकि वो एक स्कॉलरशिप जीत सके। इसमें पर्पस बताया गया है इसलिए मे मॉडल का यूज हुआ है। देन आता है फोर्थ मॉडल माइट। माइट का यूज ज्यादातर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन बिल्कुल वीक पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल है, ही माइट पास द एंट्रेंस एग्जाम, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। ही माइट पास द एंट्रेंस एग्जाम, पास कर सकता है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस पता है इसलिए ज्यादा होप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल वीक है। एक तुक्का लग जाए तो पास हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल वीक है इसलिए माइट मॉडल का यूज हुआ है। इसी के साथ गेस लगाने में भी माइट का यूज होता है। जैसे दैट पर्सन दैट माइट बी अ पोस्टमैन, श्योर नहीं है कुछ, उसकी ड्रेस या उसके सेंस को देखकर, या फिर लेटर्स बांट रहा है उसको देखकर आप पता लगा रहे हो, तो गेस के लिए भी माइट मॉडल का यूज होता है। देन मॉडल है मस्ट। मस्ट मॉडल का यूज होता है ज्यादातर प्रेजेंट टेंस के साथ में। मस्ट का यूज तब होता है जब कोई काम या कार्य जरूर से किया जाना हो, अगर आपने वो काम नहीं किया तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, ऑब्लिगेशन होती है, बाध्यता होती है, फोर्स होता है कि आपको वो करना ही है। और मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है।
जैसे एग्जाम्पल है, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। मस्ट इसलिए क्योंकि अगर नहीं पहनोगे तो आपको दुर्घटना या एक्सीडेंट फेस करना पड़े तो उसमें वो आपके हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पे मस्ट का यूज किया है। सोल्जर्स मस्ट ऑबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर्स। उनको उनकी ड्यूटी है कि वो अपने सारे सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करें, ऑबे करें उनका, इसलिए मस्ट का यूज किया है। वन मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप फिट। अगर आपको फिट रहना है तो ये नेसेसरी है, नेसेसिटी है, जरूरी है कि आपको रोज क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। तुरंत कोई ना कोई जरूरत आई है इसलिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जिस सेंटेंस के सेंस में, उसमें मॉडल यूज करते हैं मस्ट का। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए भी मस्ट का, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो। जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो तो उसमें भी मॉडल मस्ट का यूज करते हैं, ही मस्ट बी 45। कुछ ना कुछ देखकर ही बता रहे हो आप, वो पर्सन आपके पास में है या आपको उसकी उसकी एज के बारे में कोई आइडिया है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इसलिए यूज किया है मस्ट मॉडल का। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। मस्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि ड्यूटी के सेंस में भी मस्ट का यूज होता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री के लिए फाइट करे। मस्ट, मस्ट को वैसे बहुत सेंटेंस में लिखा हुआ होता है लेकिन मस्ट को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि वो पहले ही स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का सेंस देता है, इसलिए कभी भी उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज ना करे। उसके बजाय सूटेबल ज्यादा मॉडल होगा कैन, तो कैन मॉडल का यूज करना ज्यादा सही रहता है। ध्यान रखें, जब ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, ड्यूटी हो, देन यूज मस्ट मॉडल। मस्ट मॉडल वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट टेंस में। देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मॉडल, ऑट टू। इसका भी यूज किया जाता है प्रेजेंट, ये हमेशा इन्फिनिटिव टू के साथ में आता है और यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, और हमेशा इन्फिनिटिव टू के साथ। इसका यूज जहां ऑब्लिगेशन हो, लेकिन ऑब्लिगेशन कैसा हो, बाध्यता कैसी हो, मॉरल ऑब्लिगेशन। एडवाइस और ड्यूटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा मस्ट से, मस्ट होता है कंपल्सरी, नेसेसिटी, जरूरी, ये थोड़ा सा मस्ट के कंपेयर, रिपीट, ये थोड़ा सा मस्ट के कंपेयर में थोड़ा सा लूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। यहाँ पे है क्या है, ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन कि अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। थोड़ा सा मस्ट से कम फोर्सफुल होता है। वन ऑट टू नॉट टू डिसीव एनीवन। एडवाइस कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, ये सब हमारा हमारा सबका मॉरल वो होना चाहिए कि हाँ किसी को भी कभी धोखा, तो इसलिए ऑट टू का यूज। यू ऑट टू गेट टू वर्क ऑन टाइम। हमारा खुद का वो है कि कभी भी हर जगह कहीं पे भी जाए तो टाइम पर। ड्यूटी, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। एडवाइस कि डॉक्टर को दिखा लो आप। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल यूज टू। यूज टू वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे ज्यादातर पास्ट जो बातें थी उनमें यूज होता है, इसका कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में ज्यादातर बताता है। ज्यादातर हम कई बार बोलते हैं कि बचपन में था तो मैं इसका यूज टू था, पहले थोड़े टाइम पहले मैं यूज टू बहुत ज्यादा फोन का हो गया था, अब थोड़ा सा, इस तरीके के सेंस के लिए। जैसे आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, कभी था जब बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया था लेकिन नाउ आई डोंट, लेकिन अब मैं नहीं पीता जाता, तो इसलिए यूज टू। आई यूज टू प्ले टेनिस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब
भी स्टूडेंट था तो ज्यादातर टेनिस खेला करता था। बहुत हम जनरली अपनी लाइफ में बातें करते हैं कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डू दिस डू दैट एंड ऑल, तो इस सेंस में यूज किया जाता है यूज्ड टू का। दोस्तों अगर आप ग्रामर के इसी तरीके के और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर जो भी आपको जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो आप हमें लिखकर बता सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक को आपको पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।